फिर से आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में और मैं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह आज दोपहर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में स्थापित गांधी प्रतिमा से अपने स्वास्थ्य आग्रह की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये स्वास्थ्य आग्रह कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए है। मुख्यमंत्री ने तय किया है कि वह अपने 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह में सरकारी कामकाज निपटाने के साथ साथ प्रदेश के सभी संभागों के प्रमुख लोगों, पत्रकारों, साधु संतों और प्रबुद्ध जनों से बातचीत करेंगे। अगले 24 घंटे तक सीएम दफ्तर मिंटो हॉल से ही संचालित होगा। आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 बजे से शुरू हो रहे स्वास्थ्य आग्रह में किन किन प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे और क्या प्रमुख गतिविधियां उनके स्वास्थ्य आग्रह के दौरान होगी, वही क्या कार्यक्रम रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। वे दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में स्वास्थ्य आग्रह शुरू करेंगे और दोपहर 12 बजे ही मिंटो हॉल में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं दोपहर 12:15 बजे मिंटो हॉल में कैबिनेट की बैठक वर्चुअल होगी। वहीं आज कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के संबंध में भी कैबिनेट बैठक होगी। दोपहर 2 बजे इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के अलग अलग वर्गों के लोगों को संबोधित भी करेंगे और दोपहर 3 बजे भोपाल नर्मदापुरम संभाग के 14 जिलों के अलग अलग वर्ग के लोगों को संबोधित करेंगे और दोपहर 4 बजे पत्रकारों को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 5 बजे जबलपुर शहडोल संभाग के 11 जिलों के प्रमुख लोगों को संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे ग्वालियर चंबल रीवा संभाग के 12 जिलों के प्रमुख लोगों को संबोधित करेंगे तथा शाम 7 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं आज रात्रि सीएम शिवराज विश्राम मिंटो हॉल में ही करेंगे। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर से की थी। मास्क लगाने की जागरूकता के लिए सड़कों पर उतरने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर में सबसे पहले अपनी पत्नी और दोनों बेटों को मास्क लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी मास्क लगाएं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को मास्क लगवाएं, दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें तथा उसके माध्यम से प्रदेश व देश की कोरोना से रक्षा करें। मैंने किया है, आप भी करें। और ये था इस वक्त का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी। नमस्कार।